रिकॉर्ड। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने पाठक एजुकेशन सेंटर में। मैं पाठक चर्चा आपको मैं बता दूं कि हम लोग इस मंथ में इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट का। देखिए, ये बेसिकली इंटर्नशिप जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएस पावर पॉइंट सीख लिए हैं और वो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लर्निंग पीरियड में है या फिर सीख रहे हैं एमएस पावर पॉइंट और सीखना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं इस थोड़ा सा आपको फर्स्ट डे कहा है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और क्या है इंटर्नशिप के सारी डिटेल्स मैं बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो अगेन वेलकम बैक इन पाठक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड हो गए थे यूट्यूब पे, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी हमारी, तो अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी, तो आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। तो हम लोग इस इंटेंसिव प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट समर इंटर्नशिप ये आपका लगभग लगभग वन मंथ चलेगा। तो आपको लिए कम से कम रेयरली मान लीजिए आप लोगों को दिन में वन टू टू आवर एक घंटा आपको लाइव क्लासेस जो कि मे बी यूट्यूब पे ही आपको मिले वो क्लास रिकॉर्डिंग क्लास देखने को और या फिर जूम पे वो क्लासेस चले 45 मिनट्स की, तो आपको वन घंटा लाइव क्लासेस आपको अटेंड करने होंगे और जो टास्क पर डे टास्क आपको मिलेगा वो कंप्लीट करने होंगे, उसको मैं बताऊंगा मेल पे सेंड कर देना होगा। फिर आपको वो एनालिसिस किया जाएगा कि और आपका जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे उसका भी एनालिसिस करके क्या गलती है, क्या चीजें दिक्कत है उसमें, क्या मार्जिन वगैरह जो भी चीजें गलत अगर जो सही है उनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग उस वीडियो में और आपको साथ वो वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। तो आप अपना जो प्रेजेंटेशन है आप देख सकते हैं कि क्या उसमें गलतियां हैं, क्या एरर्स हैं और कहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, तो सारी चीजें करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टोरी ऑफ पाठक एजुकेशन सेंटर ये एक आप बता दें कि जब मैं क्लास 12th में था तो मैं 2017 में 11 जुलाई को ऐसे मैं फ्रेंड सर्कल्स में बैठे हुए थे। उस दिन मेरे माइंड में आया कि कोचिंग जाते थे तो थोड़ा सा माइंड में आया कि अपना भी एक सेंटर होना चाहिए। तो उस टाइम से मेरे मतलब एक फेसबुक पे पेज मैंने बनाया वहां पे और वहां से पाठक एजुकेशन सेंटर चलता आ रहा है। तो आज कल हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज पे समथिंग लाइक आप 6000 लगभग फॉलोअर्स हैं वहाँ पे पेज पे लाइक्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी मे बी 500 हैं या मे शायद ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे लिंक्डइन पेज है जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं लिंक्डइन पे, वहाँ पे 1.2K फॉलोअर्स हैं। तो यहीं पे बस और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहता हूँ तो अच्छा अच्छा कंटेंट आते हैं और जो हमारे एक वीडियो है उस पे समथिंग लाइक इसका टॉपिक है एमसीक्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसपे मैंने कल चेक किया तो उसपे आपको लाइक 17K व्यूज गया है। सो बस ये थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी है पाठक एजुकेशन सेंटर को और थोड़ा सा चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखते हैं। सो गाइज, मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। सो मैं हूँ चंदन पाठक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पाठक एजुकेशन सेंटर। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफ यूजिंग एंड टीचिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बेसिकली गाइज, मैं जब मैं 10th क्लास में था तभी से मैं जो एमएस ऑफिस है वो पूरा पैकेज में सीख गया था और तो मेरे को जो वर्किंग एक्सपीरियंस है और मैंने ADCA DCA के बच्चों को मैंने क्लास भी दिए हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। सो बस थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, तो मैं ही आपका क्लास लूंगा पूरा इंटर्नशिप के दौरान और मैं सारे रूल्स रेगुलेशन और क्या बच्चे गलतियां करते हैं, क्या वो कहाँ पे उनको दिक्कत होती है, किस चीजों को कैसे समझाना है, तो मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत इस इंटर्नशिप में नहीं होगी। सो नेक्स्ट गाइज, व्हाट इज दिस 20-20-10? गाइज, दिस इज द प्रोसेस by which you set your
इंटर्नशिप जर्नी और सेट एनी स्टडी लाइफ में, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि ये जो एक आपको क्या बोल सकते हैं इसको फॉर्मूला है कि आप कहीं भी इसको अप्लाई करेंगे। देखिए जब आप बोला जाता है ना कि जैसे आपकी आप पहला कदम चल दिए तो आप जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप जर्नी को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वही है कि आपको जीतना है, यानी कि अगर 100% लिया जाए किसी चीज को करने के लिए तो आपका सबसे पहले होना चाहिए माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बन गया है तो आप उस काम को कर सकते हैं इजिली। तो सबसे पहले आपको 20% अपने माइंडसेट पे लगाना होगा कि नहीं आपको ये काम करना है तो करना है। उसके बाद 20% स्किल सेट पे लगाना है कि आपको वो चीज वो स्किल सीखनी है, ठीक है। उसके बाद टूल सेट, उससे रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल में लगा दूं, एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा आपको। जैसे है ये इंटर्नशिप है तो इस इंटर्नशिप आपको स्टार्ट करनी है तो आपको पहले 20% माइंड सेट होना चाहिए कि आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, किस लिए स्टार्ट करनी है, क्यों स्टार्ट करनी है, क्या नीड है कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो ये सब सारे चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है स्किल सेट कि क्या आपको एमएस पावर पॉइंट पहले से आता है या फिर आप सीखना चाहते हैं। और टूल सेट, जैसे है कि मान लीजिए एमएस पावर पॉइंट आप सीख गए तो क्या आपको थोड़ी थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज है या फिर आप गूगल से फोटोज डाउनलोड करना जानते हैं। ये सब छोटे छोटे उससे रिलेटेड टूल्स हैं तो इस तरह से आपको है। क्या एक फॉर्मूला है तो इसको मैंने एक फॉर्मूला के तौर पर बनाया है, आपको दिखा देता हूं कि जैसे इस तरह फॉर्मूला स्किल सेट प्लस टूल सेट इंटू माइंड सेट। जब ये करेंगे तो ये आपको एक प्रोडक्टिव रिजल्ट देता है जो कि 100% इफेक्टिव होता है कि कोई भी आपको जर्नी स्टडिंग जर्नी या फिर कोई भी चीजें कर रहे हैं तो आपको आपको उसमें ये बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसके बाद हम लोग इस इंटर्नशिप के दौरान किस किन चीजों पे फोकस करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपके जो ग्रोथ है वो हायर लेवल तक लेकर के जाऊंगा, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, फिर आप नई नई चीजें सीखेंगे, शॉर्टकट्स की वगैरह। आपको मैक्सिमम मैं बता दूं जो भी स्टेप मैं सिखाऊंगा मिनिमम आपको 2 तो सिखाऊंगा ही, मैक्सिमम 3-4 तो आराम से। अगर जैसे है कि मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन को पहले ओपन कैसे करते हैं तो इनका भी मैं 2-3 तरीका बताऊंगा। कोई भी चीज है कॉपी पेस्ट कैसे करना उसका भी 2-3 तरीका बताऊंगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज आपको एडवांस लेवल तक एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन। देखिए गाइस जो भी है आपके जो भी ऑफिशियल ग्रुप्स हैं इंटर्नशिप के तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेशन करनी है, जिसमें आप जो आपको मैं जोड़ूंगा उसमें आपको क्या करना है कि कम्युनिकेशन जो है प्रोफेशनल होने चाहिए ताकि और सभी की प्राइवेसी को भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं किसी का नंबर आप शेयर कर दे किसी के साथ या फिर जो भी लिंक्स दिए जा रहे हैं आपको किसी और के साथ शेयर कर दे, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। और आपको जब भी लाइव क्लासेस चले या फिर कभी क्लासेस में तो आप एक क्वेश्चन पूछें और स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछें, ठीक है। इफ यू आस्क स्टूपिड क्वेश्चन यू मे फील स्टूपिड, इफ यू डोंट आस्क ए स्टूपिड क्वेश्चन यू रिमेन स्टूपिड। तो आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछने हैं तो वो फालतू क्वेश्चन नहीं पूछें, और आप क्वेश्चन नहीं भी पूछेंगे तो भी आप फालतू होंगे कि आप ज्वाइन किए आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप या फिर तो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्वेश्चन पूछे रिलेटेड आपने जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो ये चीज सही रहेगी। ओके गाइस नेक्स्ट है कि क्या इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज फॉलोड बाय ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपको इस इंटर्नशिप के दौरान किन किन चीजों की ध्यान में रखना है ये सबसे जरूरी है। तो रेस्पेक्ट एवरी वन प्राइवेसी, तो जितने भी आपके साथ आपके टीममेट्स हैं या फिर आपके क्लासमेट्स हैं उनका प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना है, आदर करें। सबमिट योर टास्क ऑन टाइम, जो भी आपको टास्क दिया जाता है इन द अगर जो भी टाइम लिमिट्स दिए जा रहे हैं कि आपको 1 आवर के विदिन 1 आवर में सबमिट करना है तो आपको जो भी ऑन टाइम पे वो चीज टास्क को सबमिट करें। डोंट कॉपी पेस्ट एनी वर्क, मीन्स कि आपको अगर आप कहीं से गूगल से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए उसको देखिए एनालिसिस कीजिए उससे रिलेटेड बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं डायरेक्ट आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। आप सोचेंगे कि मैं गया सर्च किया
पीपीटी ऑन दिस टॉपिक और मैंने डायरेक्ट पीपीटी डाउनलोड कर लिया, उसको मैंने सेंड कर दिया टास्क को। तो ऐसा नहीं करना है, आप वहां से टेक्स्ट टेक्स्ट के रूप में वहां पे सर्च करें और उसको कॉपी करें टेक्स्ट को और अपना खुद का प्रेजेंटेशन बनाएं। यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ योर क्लासमेट्स, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप अपने क्लासमेट्स के या फिर टीममेट्स के साथ प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करें, अच्छी रहेगी। व्हाट वी विल लर्न, तो हम लोग इस इंटर्नशिप के दौरान पूरे जर्नी में पूरे वन मंथ में क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेकेंड डे से रेगुलर क्लास करेंगे। तो गाइज बता दूं मैं आपको कि फर्स्ट डे हम लोग सीखेंगे क्रिएट एंड मैनेज प्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है क्रिएट एंड मैनेज प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करें फर्स्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एमएस पावरपॉइंट को स्टार्ट कैसे करें, ये हो सकता है। दूसरा है इंसर्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट सेव एंड इमेज, क्या हम लोग पावर पॉइंट में किन किन तरीकों से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या सेव को इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करें, इमेज को क्रॉप कैसे करें, सेव को कैसे क्रॉप करें, टेक्स्ट को विथ सेव कैसे क्रॉप करें, सारी चीजें सीखेंगे हम। उसके बाद हम इंसर्ट टेबल्स चार्ट स्मार्ट आर्ट एंड मीडिया, उसके बाद कैसे हम लोग टेबल को इंसर्ट करें, चार्ट कैसे इंसर्ट करें, स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करें और मीडिया, मीडिया मीन्स आप अपने प्रेजेंटेशन में वीडियो लगा सकते हैं या फिर कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन में साउंड का इफेक्ट लगा सकते हैं, तो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपने वीडियो में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फोर्थ में अप्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, कैसे आप एनिमेशन या फिर आपने स्लाइड्स पे ट्रांजिशन कैसे लगाएं, तो सारा चीज हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और सारे को एनालिसिस करके कि क्या इस अगर एक टर्म दिया है या फिर उसका इफेक्ट है तो इस इफेक्ट का मीनिंग क्या है, ये काम कैसे करता है, सारा चीज सीखेंगे एकदम इन द डिटेल। सो उसके बाद है मैनेज मल्टीपल प्रेजेंटेशन, अगर मान लीजिए सपोज डेट आप और आपके फ्रेंड दो लोग हैं, दोनों लोग अलग अलग लोकेशन पे हैं और दोनों लोगों को एक ही टॉपिक पे प्रेजेंटेशन आना है, तो आप उस प्रेजेंटेशन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, कैसे कोलैबोरेट करेंगे वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सारा चीज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद है आपको लास्ट में ऑल शॉर्टकट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट, तो मैं ऑल शॉर्टकट मीन्स टोटल ए टू जेड शॉर्टकट विच इज यूज इन एमएस पावर पॉइंट, उसको मैं ए वन बाई वन करके सारे डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि ये शॉर्टकट की कैसे और कहाँ पे काम करता है। उसके बाद ग्लोसरी रिलेटेड टू एमएस पावर पॉइंट और मैं लास्ट में आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, लास्ट डे मैं आपको वो पीडीएफ शेयर करूंगा। उसमें क्या होगा कि सारे रिलेटेड टर्म जैसे कॉपी, तो कॉपी का मतलब क्या होता है एमएस पावर पॉइंट में, या फिर कट या फॉर्मेट प्रिंटर या क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उस आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, पीडीएफ के लिए आपको करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक्स दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाए और वहां पे आप मैसेज करेंगे तो उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। उसके बाद है तो देखिए मैंने बताया कि क्रिएट एंड मैनेज प्रेजेंटेशन, ये तो मेन टॉपिक था, उसके सब टॉपिक्स भी हैं, क्या है कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करें, इंसर्ट एंड फॉर्मेट स्लाइड, जब आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया तो उसमें जो स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी आप पेजेस दे हैं स्लाइड्स में, अभी हमारे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी एक स्लाइड ही है, तो आप मैं बता बोल सकता हूं आपको कि जो भी स्लाइड्स हैं उनको कैसे इंसर्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स होते हैं, हम लोग आगे के वीडियो में सारी चीज देखेंगे। उसके बाद स्लाइड्स को मॉडिफाई कैसे करें, हैंडआउट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे लिखें, आपको स्लाइड्स का हर स्लाइड्स का एक नोट्स भी लिखना होता है, तो आप ये देखिए नोट्स कब इंपॉर्टेंट होता है, मैं सारा चीज बताऊंगा। नोट्स तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रेजेंटर व्यू में या फिर जब भी आप प्रेजेंटेशन अपना प्रोजेक्टर से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो नोट्स होता है
कि इस प्रेजेंटेशन पे या फिर इस स्लाइड्स पे क्या क्या बोलने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, या किस इस स्लाइड्स पे मुझे कितना टाइम देना है। तो आप ऐसा नहीं, अगर सपोज डेट मान लीजिए कि आपके पास 100 स्लाइड्स हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं पता है ना कि इस स्लाइड्स पे मुझे 1 मिनट टाइम देना है, इस स्लाइड्स पे 5 मिनट टाइम देना है, ऐसा तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नोट्स है, जब आप प्रेजेंटर व्यू में होते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करते हैं, उस टाइम ये नोट्स बहुत ही बहुत बहुत आपका हेल्प करता है। तो मैं इसके बारे में सारा डिटेल्स बताऊंगा, डोंट वरी। बट इस वीडियो को आप कंटिन्यूली और इस इंटर्नशिप में ज्वाइन हो जाए तो हम लोग सारा चीज सीखेंगे। उसके बाद है ऑर्डर एंड ग्रुप स्लाइड्स। क्या कि कौन से स्लाइड्स के बाद कौन से स्लाइड आएंगे, या फिर कौन सा स्लाइड, सपोज डेट मान लीजिए आपके पास 100 स्लाइड्स हैं, सपोज डेट आपने किसी टॉपिक पे बनाया, तो हो सकता है कि 10 जो स्लाइड्स हैं एक ग्रुप में, जैसे इंट्रोडक्शन में है, तो इंट्रोडक्शन में आपने 10 स्लाइड डाले हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक में 10 स्लाइड्स डाले हैं, तो वो एक ग्रुप हो जाए। फिर उसके बाद मान लीजिए, जैसे अब ये हमारा जो आपके सामने प्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो मैंने मान लीजिए बताया कि क्रिएट एंड मैनेज प्रेजेंटेशन, तो मैंने एक स्लाइड से बनाया क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, हाउ टू इंसर्ट अ फॉर्मेट स्लाइड्स। तो इस तरीका से मान लीजिए अगर मैंने बनाया तो 7 स्लाइड्स होंगे मेरे पास, तो इनका ग्रुप कैसे करें। उसके बाद किसके ऑर्डर, यानी कि किस स्लाइड के बाद कौन सा स्लाइड आएगा, उसका ऑर्डर भी कैसे चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट है चेंज प्रेजेंटेशन ऑप्शंस एंड व्यूज। तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे प्रेजेंटेशन ऑप्शन और व्यूज को चेंज करें। ये बहुत ही आपको जब ये हेल्पफुल होगा, जब आप प्रेजेंट करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है कन्फिगर अ प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर प्रिंट। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिंट करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सपोज डेट आपने 10 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाया, आपने किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, आप बॉस हैं या फिर आप प्रेजेंटर हैं, आपने प्रेजेंट किया और आपको वो उसका हार्ड कॉपी भी जमा करना होगा। तो आपने जो नोट्स लिखे हैं, नोट्स के साथ कैसे स्लाइड्स को प्रिंट करें, ये सारी चीजें मैं हम लोग सीखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कन्फिगर प्रेजेंटेशन फॉर प्रिंट हो गया। उसके बाद है कन्फिगर एंड प्रेजेंट अ स्लाइड। सो कैसे हम अपने स्लाइड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, सारा चीज हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कि टू इंसर्ट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट सेव एंड इमेज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करें, टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करें, टेक्स्ट किसी शेप में टेक्स्ट को कैसे लिखे, उस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कैसे करें। उसके बाद है इंसर्ट एंड फॉर्मेट शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, हो गया। उसके बाद है इंसर्ट एंड फॉर्मेट इमेज, इमेज को कैसे इंसर्ट करें, उसका फॉर्मेटिंग कैसे करें, उसको क्रॉप कैसे करें, उसको उसका कलर कैसे दे, उसका बॉर्डर कैसे चेंज करें, सारा चीज हम लोग डिटेल देंगे। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज, आपको जैसे इमेज है, इमेज एक ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई शेप ले लें, उन सारे को कैसे हम लोग ग्रुप करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर इन द सेंस, सपोज दैट दिस इज माय हैंड, तो ये हैंड क्या है मेरा, अगर मैं अपने तरफ से लूं तो दिस हैंड इज माय इन द फ्रंट ऑफ माय दिस हैंड, ओके। तो ये क्या है कि ये जो मेरा है, ओके, ये क्या है, अगर आपके साइड से देखें तो ये फ्रंट पे है और ये बैक पे है, तो लेयर, इसको बोलेंगे लेयर, ऐसे लेयर। तो लेयर बाय लेयर ऑर्डर होता है इसमें ऑब्जेक्ट का, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर में रहेगा, किसके ऊपर कौन सा रहे, तो ये चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इंसर्ट टेबल चार्ट एंड स्मार्ट मीडिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे टेबल को इंसर्ट करें, कैसे टेबल का फॉर्मेटिंग करें, कैसे टेबल्स के बॉर्डर चेंज करें, कैसे टेबल्स का कलर चेंज करें, कैसे टेबल का सेटिंग चेंज करें। उसके बाद है इंसर्ट एंड फॉर्मेट चार्ट्स, कैसे हम लोग चार्ट को, चार्ट एक ऐसा रोल प्ले करता है जब आप बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं या फिर डाटा एनालिटिक्स करते हैं और डाटा एनालिटिक्स का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो चार्ट का एनालिसिस, या अगर चार्ट के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर अगर आप बोल सकते हैं कि अगर आप चार्ट को लेकर के या फिर चार्ट पे एनिमेशन लगाते हैं और इफेक्टिव वे में एनिमेशन करते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव देता है जो आपके प्रेजेंटेशन व्यूअर्स होते हैं उनको। उसके बाद है इंसर्ट एंड फॉर्मेट स्मार्ट ग्राफिक्स,
तो स्मार्ट ग्राफिक्स क्या होते हैं, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि व्हाट इज अ स्मार्ट आर्ट इन एमएस पावर पॉइंट। तो हम लोग बताते हैं, आपको बताएंगे नहीं, बस इसको बारे में बताऊंगा कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को कैसे इंसर्ट करें, कैसे फॉर्म करें, कैसे उसमें ऐड और भी शेप्स ऐड करें, ठीक है। उसके बाद है इंसर्ट एंड मैनेज मीडिया, कैसे वीडियो लगाएं, कैसे वीडियो को ट्रिम करें, कैसे वीडियो को एडिट करें, कैसे वीडियो को क्रॉप करें, कैसे ऑडियो लगाएं, कैसे ऑडियो को ट्रिम करें, ठीक है। उसके बाद है अप्लाई ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। उस हम लोग इन सारी चीजों को सीख गए। उसके बाद हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में चार चांद लगाएंगे, कैसे कि उस पे एनिमेशन और ट्रांजिशंस लगा करके। तो अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड्स पे कैसे ट्रांजिशन लगाएंगे। उसके बाद है एनिमेट स्लाइड कंटेंट, कंटेंट के एनिमेशन कैसे लगाएंगे, एंड सेट टाइमिंग फॉर ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। उसके बाद कैसे हम, अगर मान लीजिए कि सपोज डेट इस मैंने जो लिखा है फॉर अप्लाई ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, इस टेक्स्ट पे मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया, कुछ भी मान लीजिए फ्लाइंस अप्लाई मैंने कर दिया, तो ये फ्लाइंस क्या है आगे हम लोग सीखेंगे। जब भी हम एनिमेशन के क्लासेस में आएंगे तो हम लोग सीखेंगे कि ये फ्लाइंस है क्या। तो जब भी हम मान लीजिए सपोज फ्लाइंस अप्लाई कर दिया, इस पे टाइमिंग मेरे 2 सेकेंड्स देने हैं, ये 2 सेकेंड्स तक ये फ्लाइंस हो, या फिर आपको बता दे कि इन द सेंस कि 5 मिनट तक फ्लाइंस हो। तो सारा चीज टाइमिंग सेट करना, ट्रांजिशन पे, एनिमेशन पे, सारा चीज सीखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट मैनेज एंड मल्टीपल प्रेजेंटेशन। आपके दोस्त के साथ आप कोलोबरेट कैसे करें प्रेजेंटेशन बनाने में, या फिर अगर आप आपने ही खुद का प्रेजेंटेशन बनाकर रखा है अपने सिस्टम में, उस प्रेजेंटेशन को अपने जो प्रेजेंटेशन अभी बना रहा है उसमें से कैसे उसको उस प्रेजेंटेशन का यूज करके, या फिर उस प्रेजेंटेशन में से कोई सी स्लाइड्स को इंसर्ट करना है तो उस स्लाइड्स को कैसे इंसर्ट करें। तो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में और इस इंटर्नशिप के दौरान इन द डिटेल सीखेंगे, वन वन स्टेप्स को इन द डिटेल सीखेंगे। तो आप बस मेरे इस इंटर्नशिप में ज्वाइन हो और बस आपको मैनली 2 घंटा, ज्यादा है 2 घंटा, बस 1 घंटा क्लास और एटा प्रैक्टिस के लिए देना है। बस आप 1 मंथ में एमएस पावर पॉइंट का इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर पाएंगे। सो मैं आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप कोर्सेस कर भी रहे हैं कहीं, या फिर कोई भी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा तो आप निकाल ही देंगे। और खास बात यह है कि इस इंटर्नशिप के करने के बाद आपको मिलेंगे पाठक एजुकेशन सेंटर की तरफ से एक खूबसूरत सर्टिफिकेट। मैं सर्टिफिकेट का सैंपल भी मैं दिखाऊंगा, तो बस जस्ट बने रहिए थोड़े देर के लिए मेरे साथ। सो लास्ट दिस, सो आपको करना क्या है कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, धमाल मचा देना, ठीक है। सारे सोशल मीडिया पे जाए, किसी भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, किसी भी डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड जो कम्युनिटी होती है हमारी, टेलीग्राम, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पाठक एजुकेशन सेंटर इज देयर। तो आप वहां जाएं, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फिर यूट्यूब पे भी। तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो बस जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमारे साथ, हमारा अपडेट आपके पास मिलता रहेगा। सो नेक्स्ट है, देखिए मैंने इसको, ये कितना, ये मैं बस सिंपल, मैंने सारे स्लाइड्स पे एनिमेशन नहीं लगाया था, ठीक है, क्योंकि आप पहले देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने इसीलिए लास्ट स्लाइड पे लगाया ट्रांजिशन कि आपको दिखाऊं कि हाउ हाउ द योर एमएस पावर पॉइंट इज इफेक्टिव टू मेक लाइक दिस पीपीटी। तो देखिए वंस अगेन मैं इसको प्ले करता हूँ। सो बैक बटन देखिए गया, और सिंपली देखिए, और मैंने इस पे कुछ, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पे कुछ एनिमेशन अप्लाई नहीं किया है, ओनली ट्रांजिशन अप्लाई किया है। तो मैं हम लोग ये भी सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ठीक है। तो बस ये है सारे मेरे लिंक्डइन फॉलोअर्स के लिए, जिन्होंने पाठक एजुकेशन सेंटर को फॉलो किया है उनको मैं बाय हार्ट, चंदन पाठक आपको बाय हार्ट थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने मेरे को, मेरे पाठक एजुकेशन सेंटर को फॉलो किया है लिंक्डइन पे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाय हार्ट मेरे तरफ से, अपने लिए थैंक
थैंक यू जिन्होंने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो किया है, वो टोटल जिनका करंट डेट में आज 5,319 समथिंग लाइक दिस, दिस इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ माय फॉलोअर्स इन टुडे। उसके बाद है गाइस, ये एक और चीज है कि आप लोगों को क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्या ये इंटेंसिव है, पेड है या फ्री है। तो मैं बता दूं कि ना मैं इस इंटेंसिव के दौरान आपसे पैसा लूंगा और ना आपको दूंगा। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है इंटेंसिव। बस ये इंटेंसिव आपके नॉलेज को पॉलिश करने के लिए, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, आपके नॉलेज को एक हाई लेवल, एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए ये इंटेंसिव है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में ही रहेगा, जाहिर सी बात है सबके मन में रहेगा कि क्या ये इंटेंसिव पेड है। तो नो, दिस इज एन अनपेड इंटेंसिव प्रोग्राम। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस इंटेंसिव? आपको पहले से क्या जरूरी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए इस इंटेंसिव में ज्वाइन होने के लिए? गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर की थोड़ी सी अच्छी ज्ञान, बस कंप्यूटर आपको चलाना आनी चाहिए। ओके, उसके बाद यू हैव टू बी फैमिलियर विद एनी वर्जन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कोई भी वर्जन, जैसे 2007, 2010, 13, 16, अब 365, 2019, अब तो 2021 भी आ चुका है, तो आप इनमें से कोई भी वर्जन पे, एक वर्जन पे फैमिलियर हो उसके टूल्स से, कि वो टूल्स कहाँ पे हैं, कौन से टूल्स कहाँ पे उससे फैमिलियर है। उसके बाद है You have to install MS PowerPoint 2016 on your desktop or laptop. अगर आपके पास 2016 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है तो आप अपने निजी दुकान पे जाएं, कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं उनके पास जाएं और बोले कि भैया मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint, नहीं बोलिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 बोलिएगा, क्योंकि ऑफिस का पैकेज आता है, एमएस पावर पॉइंट का नहीं आता सिंगल, ठीक है। तो आप जाएं और उनसे बोले कि भैया मुझे एमएस ऑफिस 2016 इसमें इंस्टॉल कर दीजिए मेरे सिस्टम में। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज या 100 रुपीज चार्ज करेंगे, तो ये आप जाकर के उनसे इंस्टॉल करवा लीजिएगा और अच्छे से इस इंटर्नशिप को ज्वाइन कीजिए और तगड़ा मन से बी कॉन्फिडेंट होकर के ज्वाइन कीजिए। और एक एट द एंड आपको अब सर्टिफिकेट मिलेगा और एट द एंड आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मेकर बनेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई विल डू इफ आई मिस्ड माय क्लास? तो ये भी होगा कि मैं आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया, अगर आपने कोई लाइव क्लासेस मिस कर दिया तो क्या होगा? तो आपको सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे और जितने भी लाइव क्लास होंगे उसके भी रिकॉर्डेड, उसके रिकॉर्डेड नहीं, मैं खुद से रिकॉर्ड करके आपको मैं यूट्यूब पे वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो वह रहेगा, आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस का भी कोचिंग करना, अगर उस टाइम पे कंफर्ट नहीं है ज्वाइन करने का तो आप बाद में भी देख सकते हैं। उसके बाद व्हेन वी विल गेट द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कब मिलेगा? ये तो क्वेश्चन आएगा कि हमने इंटर्नशिप कर लिया और सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो सर्टिफिकेट मिलने के टर्म एंड कंडीशन है कि ऑन द लास्ट डे, अंत दिन, अंतिम दिन आपके इंटर्नशिप के, आपके जो अटेंडेंस हो वो अबव 70% होने चाहिए, 75% होने चाहिए, तभी आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और लास्ट के दिन आपको एक छोटा सा टेस्ट, मान लीजिए 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, और टाइम लिमिट 1 आवर होगा, यानी 60 मिनट, या फिर ऐसा मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट होंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो आपको उसमें भी 75% क्वालिफाई करना होगा, 75% आपके मार्क्स आने चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आपको, आपका क्वेश्चन होगा कि थोड़ा सा सैंपल दिखा दीजिए सर्टिफिकेट का, तो बस आप नजर बंद करें और आपके सामने मैं सर्टिफिकेट को प्ले करता हूँ। तो दिस इज योर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विच इज गिवन टू यू बाय पाठक एजुकेशन सेंटर एंड द एंड ऑफ द डे इज ऑन। तो गाइस, इस वीडियो को
अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पावर पॉइंट सीखना चाहता है उसके साथ शेयर करें और उसको भी इस माइक्रोसॉफ्ट एमएस पावर पॉइंट 2016 में इनरोल कराएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, और गूगल फॉर्म भरें और इस इंटर्नशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो या फिर आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ और दे दूंगा, उस वहां पर जाकर के आप उस नंबर को पाठक एजुकेशन सेंटर के नाम से सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप हाई लिख करके और मैसेज करें कि आई वांट टू ज्वाइन योर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो मैं आपको वो वहां पे भी गूगल फॉर्म दे दूंगा डायरेक्टली, आप उसको फिल करेंगे और आप इजिली इस इंटर्नशिप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा आपका फर्स्ट डे और फर्स्ट टास्क के साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा कंटेंट लेकर के आपके लिए, जो कि आपको बनाएगा एक एमएस पावर पॉइंट में प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटर और पावर पॉइंट मेकर और अ पावर पॉइंट स्पेशलिस्ट। थैंक यू।